बिल्कुल नाजीन, आप देख रहे हैं शफीक विद कराची सनसनी खेज न्यूज़ में, साथ मौलाना आज़ाद जमील साहब मौजूद है माशाल्लाह से। हीरा और मुइज़ भाई ने अफ्तार डिनर का प्रोग्राम किया है, तो हमारे मौलाना साहब से बात करते हैं। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। आप आए हुए माशाल्लाह से, क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और शहर की मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात शरीक हुई और यकजानगी का और यकजहती का जो एक पैगाम गया है, मेरे ख्याल में इसके लिए साल हम इंतज़ार करते हैं कि कब हम एक साथ बैठें, कब हम एक साथ रोज़ा खोलें। वैसे तो ना हमारे इख्तलाफात ख़त्म होंगे, ना हमारी रंजिशें ख़त्म होंगी, ना हमारे मामलात उस तरफ आएंगे, लेकिन फिर क्यों ना हम कुदरत से जो चाशनियाँ हमें मिलती हैं, कुदरत से जो हमें वहदत का एक पैगाम मिलता है, उसको साथ लेते हुए अगर हम आगे बढ़ें और अपने दिलों को साफ़ करते हुए अपनी नीयतों को एक दफ़ा ख़ुद अपने एहतसाब में अपने आप को खड़ा करके, तो मेरे ख़्याल में ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का और ये इफ्तार हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन ईद का और ये तमाम खैरें जो हमारी मुंतज़र हैं, यकीनन वो आपसे चंद लम्हों की फ़ासलों पर हैं और जिसके लिए मैं समझता हूँ इनकी ये कोशिश बहुत अच्छा अहसन इकदाम है। अल्लाह ताला इनका ये हुस्न ज़न कबूल फरमाएँ और जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं जो आए, अल्लाह उन्हें सब कुछ जज़ाए खैर दे। इफ्तार का मौका होता है, दुआएँ कबूल होती हैं, सब रोज़े से होते हैं और यकीनन इस वक्त जो लुत्फ़ आता है वो किसी और गैदरिंग में नहीं आ सकता। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।